everyone, welcome back to my channel. My name is Ayantika Singhania. And guys, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पहले से जुड़े हुए हो तो थैंक यू सो मच. तो गाइज, इस लुक के लिए मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो 10.5 रुपये में आते हैं, अफोर्डेबल रेंज के हैं. बट गाइज, सारे प्रोडक्ट्स मतलब क्वालिटी वाइज कैसे होंगे वो तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, तो प्लीज़ आप लोग यूज़ मत करना. सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी ये लुक पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर लास्ट तक देखना तो एक थम्स अप तो बनता है ना. वीडियो में बने रहो. टफल यूज़ बोरोलिन क्रीम. गाइज, ये क्रीम आपको कोई भी लोकल मार्केट में अंडर 10 रुपीज मिल जाएगी, और इससे मैं एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी. आप चाहो तो कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, आपको 10 रुपये में आसानी से कोई भी मॉइस्चराइजर मिल जाएगा. बट मुझे ये मॉइस्चराइजर ज़्यादा अच्छा लगा था, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वैसलिन क्रीम. गाइज, ये आपको 5 रुपये में मिल जाएगा, और इससे मैं एज अ लिप बाम यूज़ करूँगी और एज अ सीरम भी यूज़ करूँगी. और गाइज, अगर आप लिप बाम मैजिक की तरह इसे यूज़ कर रहे हो तो मैं बता दूँ कि लिप्स पे जस्ट लगाना नहीं होता, आप अच्छे से लिप्स पे लगा के मसाज कर दो, तभी आपके लिप्स बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज हो जाएगी. और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे स्विंस ब्यूटी का क्रीम. गाइज, ये क्रीम अंडर 10 रुपीज मिल जाता है, आपको कोई भी लोकल मार्केट में ये भी मिल जाएगा. बट गाइज, पता नहीं मैंने जो क्रीम दिखाया था उसकी क्लिप मेरे से कहीं मिस हो गई है, तो वो नहीं दिखा पाई मैं. बट इससे मैं एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और अपने अंडर आई पे, आँखों पे एज अ प्राइम कर लूँगी आँखों को, देन मैं प्रॉब्लमेटिक एरिया पे लगा रही हूँ उसे. उसके बाद गाइज, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जॉनसन बेबी का पाउडर. और गाइज, जॉनसन बेबी का पाउडर बहुत ही अच्छा होता है, और मैं बता दूँ कि इसके फिक्स प्राइस तो 15 रुपीज़ है, बट अगर आप सेल में या फिर कोई लोकल मार्केट में आप थोड़ी सी बारगेनिंग कर लोगे तो आपको ये 10 रुपये में मिल जाएगा. तो गाइज, कोई कॉम्पैक्ट तो 10 रुपये में नहीं मिलता ना, इसीलिए मैं यहाँ पे जॉनसन बेबी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ. आप चाहो तो कोई भी टैल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हो, बट गाइज प्लीज़ आप ना जॉनसन बेबी का पाउडर ही यूज़ करना. और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे सुनैना काजल. गाइज, ये काजल 5 रुपये में आपको कोई भी लोकल मार्केट में मिल जाएगी, और मैं बता दूँ कि इसे मैं एज अ आई शैडो यूज़ कर रही हूँ गाइज, क्योंकि 10 रुपये में कोई आई शैडो नहीं मिलता है, तो मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से यूज़ कर रही हूँ. और बहुत ही धीरे धीरे गाइज, हल्के हाथों से इसे लगाना है, और अच्छे से पहले सेप दे दीजिएगा आप, फिर ही लगाइएगा. गाइज, इसे लगाते वक्त आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना, क्योंकि बहुत जल्दी फैल जाता है, और अगर फैल जाए तो आप एक कपड़े को अच्छे से भिंगो लेना, उसके बाद उस जगह को साफ़ कर देना. देन गाइज, यहाँ मैं फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अपने पूरे पाउडर को अच्छी तरीके से हटा लेती हूँ. देन उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फेयर लवली क्रीम. गाइज, ये क्रीम आपको अंडर 10 रुपीज़ मिल जाएगी. सारे प्रोडक्ट अंडर 10 रुपीज़ के ही यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ. तो गाइज, इससे मैं एज अ फाउंडेशन यूज़ करूँगी, बट क्योंकि 10 रुपये में कोई फाउंडेशन नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगा रही हूँ. और बहुत ही हल्के हाथों से इसे भी मिक्स करना है गाइज, क्योंकि आप अगर ज़्यादा एकदम इससे मिक्स करोगे गाइज तो ये क्रीम गायब हो जाती है, इसलिए इसे एकदम हल्के हाथों से और धीरे धीरे मिक्स करना है. और मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को गाइज, कि क्रीम लगाते वक्त ना मेरे को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि मैं भूत हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा अमाउंट लगा लिया था. बट गाइज, देख रहे हुए अच्छी तरीके से ब्लाइंड ही नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे फिर से कॉम्पैक्ट मतलब जॉनसन बेबी पाउडर यूज़ किया है, क्योंकि मैं चाहती थी मेरा बेस बहुत ही अच्छा दिखे. और आप लोगों को भी पता है गाइज कि आप 10 रुपये में बेस तो अच्छा नहीं दिख सकता ना, और बेस अच्छा नहीं दिखेगा तो आपका मेकअप भी अच्छा नहीं दिखेगा. तो इसलिए मैं चाहती थी गाइज कि मेरा बेस बहुत ही अच्छा दिखे, इसलिए मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट उप्स जॉनसन बेबी पाउडर यूज़ कर रही हूँ. देन गाइज, मैं उसी सेम काजल से अपने आईब्रोज को भी यहाँ फिल कर लूँगी, और गाइज आईब्रोज को मैं यहाँ पे कॉम्ब भी कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास एक कॉम्ब थी. अगर आपके पास कॉम्ब नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, मत करना. देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर गाइज. आईलाइनर मैं यहाँ मैम्बो का यूज़ कर रही हूँ, और ये भी अंडर 10 रुपीज़ आपको कोई भी लोकल मार्केट में मिल जाएगी. तो गाइज, आईलाइनर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी पूरी आँख ब्लैक तो है ही पहले से, बट मैं चाहती थी एक 3D फील देना, इसलिए मैंने आईलाइनर यूज़ किया. और मैं फिर से यहाँ पे जॉनसन बेबी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेस पता नहीं क्यों मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना अच्छा मुझे मेरा बेस चाहिए था. बट गाइज, मैं यहाँ
थोड़े से पतले ब्रश से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि साड़ी कोने कोने में मेरा अच्छा तरीके से सेट हो सके पूरा पाउडर। देन गाइस यहाँ मैंने काजल लिया और उस पर हल्का पाउडर डाला, देन वो कलर चेंज हो जाए जिससे मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल से कॉन्टोर कर सकते हो। देन गाइस यहाँ मैं फिर से लिप्स को मॉइस्चराइज करूँगी, और मैं कि 10 रुपये में ये भी लिपस्टिक आती है, और ये लिपस्टिक पता नहीं कौन सी कंपनी की है, और गाइस वाटर साइन है, तो बहुत ही अच्छा ये पिंक कलर का लिपस्टिक थी जो मैंने यूज़ किया है। इसे मैंने एज अ ब्लश भी यूज़ किया है और एज अ लिपस्टिक भी यूज़ किया है, क्योंकि 10 रुपये में आपको कोई भी ब्लश नहीं मिलता। और गाइस ये मैंने फॉल्सेस भी लगाए हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे 10 रुपये में एक फॉल्सेस भी मिल गई थी लोकल मार्केट से। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, उप्स, एंड ऑफ द लुक गाइस, वीडियो तो भी बाकी है। So that's the end of the video guys, hope you like it, so please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and thanks for watching guys, love you all.